हेलो फ्रेंड्स, डॉलर की करेंसी फ्यूचर एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज आपका डेट है 15 जून 2023। अभी टाइम है आपका 11:50। करेंसी फ्यूचर जून एक्सपायरी करेंटली ट्रेडिंग एट 82.207। यहाँ पे लाइन चार्ट, दैट मीन्स द सिंपलेस्ट ऑफ द चार्ट, उसका पावर हम एनालाइज करें। जब मार्केट इस एरिया पे था तब हमने कैसे एनालिसिस किया? डॉलर स्पॉट वाज अराउंड 82.90-85 एरिया, उस टाइम पे हमने कैसे लाइन चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया एंड उसके बाद फॉलो थ्रू कैसे आया? उसके लिए हम जाएंगे 22 मई का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ये है आपका 22 मई पोस्ट मार्केट एनालिसिस, एक बार उसको प्ले करते हैं। दैट मीन कि इसको हम कैसे ट्रेड में ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे आपका लाइन चार्ट। ये करेंसी फ्यूचर मई फ्यूचर का है, उसका लाइन चार्ट आप देखोगे 8 मई के बाद नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बन रहा है। जब तक ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस को निगेट नहीं करता है तब तक सेलर्स अगर पोजीशन सेलिंग पोजीशंस बनाएगा भी तो मार खाएगा। दैट बीइंग द केस, हमें इस टाइप का एक प्राइस एक्शंस चाहिए जहां पे ये जो रिसेंट स्विंग लो है उसको नीचे की तरफ तोड़ेगा, देयर बाय मेकिंग लोअर लो। उसके बाद एक हाई बनाएगा जो हाई होगा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, देयर बाय मेकिंग लोअर हाई लोअर लो। उसके बाद जैसे ही इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा सेलर्स विल स्टार्ट रनिंग देयर सेलिंग पोजीशंस। जब तक इस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं आता है, पॉसिबिलिटीज नहीं आता है, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलिंग पोजीशंस में शॉर्ट बनाने से आपको इंतजार करना, थोड़ा सा खुद को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एक बार कॉन्फर्मेशन आ जाएगा फिर आप उसको प्ले अराउंड कर सकते। उसका प्रीवियसली देखो ये आपका कहाँ पे था, 19, ये था 22 मई का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उसके बाद वाले दिन का क्या एनालिसिस था एक नजर डाल देते हैं। ये वाला है आपका USD/INR पोस्ट मार्केट एनालिसिस डेटेड 23 मई। इसमें से वो क्लैरिटी कब आएगा? जैसे कि हमारा एक कल का एनालिसिस था जहां पे हमने क्या किया, लाइन चार्ट के बेसिस पे मींस प्राइस को देखने का प्रयास किया, जहां उस समय डॉलर रुपए का जो क्लोजिंग था 82.84 में। आप देखो ये जो आवरली लाइन चार्ट है कंटिन्यूअसली ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। एंड आपका कल से यानी 22 मई एंड 23 मई में जो न्यू हाई फ्रेश लेवल पे बनाने में ये कामयाब हुआ नहीं, सो मार्केट इज ऑब्जर्विंग क्लोजली। अभी हमें क्या देखना है, जो हमने कल डिस्कस किया था, इसको अगर नीचे सेलिंग के लिए पोजीशंस बिल्डअप करना है इन सच केस हमें लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस चाहिए एंड उसके बाद एक जो स्विंग होगा उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए नीचे की तरफ। इन सच केस वी कैन बिल्ड सम गुड शॉर्टिंग पोजीशंस। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। ये है आपका 24 मई का पोस्ट मार्केट एनालिसिस इन डॉलर। या नीचे की तरफ
आज लेकिन मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा हलचल देखा गया, सेल ऑफ अच्छा खासा देखा। पहले आते हैं हमारा आवरली लाइन चार्ट। हमारा जो आवरली लाइन चार्ट है वो लाइन चार्ट में आप देखोगे कि एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्म हो चुका है। लोअर हाई जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था, दैट बीइंग द केस अभी हमें अपटिक में सेल करने का प्रयास करना चाहिए टिल द ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। यानी कि हमें सेल ऑप्टिक्स करेंगे, जैसे स्विंग हाई को तोड़ेगा आवर स्टॉप लॉस विल बी आउट, मींस वी विल एग्जिट द पोजीशंस एंड रन करने का प्रयास करेंगे जब तक ये ट्रेंड को बेंड नहीं करता है। अगर हम अब आते हैं 25 तारीख 25 मई का पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑन डॉलर रुपी। तक एक ट्रेंडेड कुछ सिस्टम नहीं मिलता है तब तक हमें इंतजार करना। वो ट्रेंडेड सिस्टम कैसे मिलेगा? डिफरेंट ट्रेडर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अभी जैसे कि हमारा ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में एक स्विंग लो बनाया। अभी हमें एक मजा आएगा ट्रेड करके फ्रॉम द सेल साइड। कब मजा आएगा? इस लो को तोड़ के, यानी यहाँ पे जो एक लो बनाया हुआ है उसको, लो को जैसे ही तोड़ेगा ऐसा करके, उसके बाद हमें एवरी ऑप्टिक वी कैन गो शॉर्ट सेल कर सकते हैं। उसमें आप हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं। और हम अगर देखेंगे एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच के, सो वी जस्ट आपका उसी लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है इसको तोड़ना पड़ेगा नीचे की तरफ। एंड यहाँ पे जो लो है दैट इज आपका एट्टी टू पॉइंट सिक्स सेवन। इसके नीचे जैसे ही आवरली बेसिस पे क्लोज देगा, चाहे वो कल दे या मंडे को दे, उसके बाद ट्रेड करने के लिए एक डायरेक्शन आएगा। प्रायर टू दैट उससे पहले हमें इधर ट्रेड कर करके फ्रस्ट्रेट होना है या हमें साइड में वेट एंड वॉच करना है। सो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते जब तक एक डायरेक्शन ना दे। आप अगर मेरे को पूछोगे तो मैं इंतजार करूंगा प्रॉपर आवरली बेसिस पे 82.67 के नीचे क्लोज दे दे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाके हमें ट्रेड करने के। तो ये हो गया आपका 22nd में, 23rd में, 24th में एंड 25th मई का एनालिसिस। अभी आते हैं, यानी ये आपका 22nd मई यहाँ पे था, आज के दिन में 15th। डॉलर रुपी 82.95 इस लेवल पे हमने लेकिन शॉर्ट के लिए नहीं बोला था। क्या बोला था? कि लेट इट टू मेक लोअर हाई लोअर 23 तारीख, 24 तारीख एंड 25। उसके बाद देखिए कैसे ये लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूअसली बनाया। इसमें आने के बाद एक थोड़ा सा मार्केट ट्रेडर्स को हिलाने का प्रयास किया। मे भी हमने यहाँ पे एग्जिट किया होगा, बिकॉज ये आपका 38.40 लेवल से 75 लेवल तक, यानी 30 से 35% का अपवर्ड मारा। यहाँ पे हमने एग्जिट किया विद सर्टेन प्रॉफिट्स। उसके बाद फिर क्या चाहिए? होप आई नीड नॉट हैव टू टेल फ्रॉम दिस पॉइंट 5th of June ऑनवर्ड्स लाइन चार्ट क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर। जब तक लोअर हाई लोअर लो चलता रहेगा तब तक पोजीशन को रन करना है फ्रॉम द शॉर्ट साइड। अभी What next में अभी देखो यहाँ पे दो लोज बनाया, एक हाई बनाया, बीच में एक हाई है और यहाँ पे दो लोज है। उसके बाद इस हाई को तोड़ा है, इस
डाउनवर्ड मूव को अगर कंटिन्यू करता है इन सच, ये जो स्विंग लो है इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा इन सच केस, ये जो लोअर है लोअर लो कंटिन्यू होगा, एल्स जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट है फ्रॉम दिस लेवल, कौन सा डेट आपका 5 जून ऑनवर्ड्स, अभी इसको कैसे एग्जिट करना है। अभी यहाँ पे तो लो बनाया एंड उसके बीच में एक हाई एंड इस हाई को तोड़ के ऊपर गए, अभी हायर हाई बना है लेकिन अभी तक हायर लो बना है। प्राइस अगर आज और कल ये नीचे तोड़ दे देता है तो ये फिर दोबारा कंटिन्यू होना चालू है। अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं एक बॉटम बना के फिर हाई को तोड़ता है, इस हाई को तोड़ता है, देयर बाय इट विल कंफर्म दैट ये हायर लो बना चुके हैं। हायर लो अगर बना चुके हैं एंड उसके बाद जो स्विंग हाई को बनाया था उसको भी तोड़ दिया है, देन ये जो शार्प फॉल है फ्रॉम दिस टू दिस, ये जो एक फॉल है इसको हॉल्ट लग गया, यानी अभी और कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी दो चीज हमें इंतजार करना है, क्या स्विंग लो को तोड़ता है या यहाँ पे एक लो बनाएगा जो लो होगा प्रीवियस लो से ऊपर, समथिंग लाइक दिस, इस लो से ऊपर एक लो बनाएगा देन इस हाई को तोड़े। इन सच केस आपका जो इतना जो प्रोसेस फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल खत्म, उसके बाद हमें लॉन्ग बिल्डअप के लिए सोचना। सो आशा करता हूं द पावर ऑफ सिंपल लाइन चार्ट, उसके बेसिस पे हम कितना पावरफुल ट्रेडिंग पोजीशंस ले सकते हैं, इसी का एक रिप्रेजेंटेशन आपको क्या देखना है। आप देखो यहां से जब इस लेवल पे आया था मैंने कभी भी एनालिसिस नहीं किया, इस जगह पे आपका 22 तारीख को जब ये फ्रेश हाई बनाने में फेल हुआ तब जाके एक अलर्ट दी, क्या अलर्ट कि इफ इट फेल्स टू मेक फ्रेश हाई एंड इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, देयर बाय ये जो अप स्विंग है अप ट्रेंड है बट खत्म। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो एक नीचे की तरफ आया, अभी यहाँ पे एक लो बना, अगर यहां से फिर दोबारा इस हाई को तोड़ देता है, कौन सा हाई है आज का जो हाई उसको तोड़ के हायर क्लोज देता है ऑन ए आवरली बेसिस, इन सच ए केस ये जो मूव है फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअसली हायर लो बना रहा है या लोअर हाई लोअर, अकॉर्डिंगली वी विल इनिशिएट आवर पोजिशंस। द सिंपलेस्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस द लाइन चार्ट यूजिंग डाउ थ्योरी, हायर लो और लोअर हाई लोअर, whether it fails to make fresh high or current level, if it fails to make fresh low, there comes the possible reverse. यहाँ पे current level पे reversal on the higher side, इस level पे reversal on the lower side. आशा करता हूँ मैं जो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को ये आप लोगों को समझ में आया होगा। If try to implement it on your daily trading. Thank you and bye bye.